हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता भारद्वाज फ्रॉम प्रेडिक्शंस फॉर सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। तो आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में थर्ड हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो थर्ड हाउस जो होता है बर्थ चार्ट में, वो फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है आपके कर्म को। वो आपके कर्म का हाउस होता है, आपके एफर्ट्स का हाउस होता है, राइट। किस चीज़ में आप कितने एफर्ट्स पुट करते हैं, ये चीज़ थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट की जाती है। थर्ड हाउस दिखाता है कि आप कितना सीरियसली अपना कर्म कर रहे हैं। कोई भी कर्म, चाहे वो आपके एवरीडे लाइफ की एक्टिविटीज़ हो, या आपका जॉब हो, आपके वर्क हो, उसमें जो भी आप एफर्ट्स पुट करते हैं, वो चीज़ थर्ड हाउस से ही रिप्रेजेंट की जाती है। ये आपके यंगर सिबलिंग्स का भी हाउस है, आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा आपके मेंटल इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, आपकी हैबिट्स, वो सब कुछ थर्ड हाउस से देखा जाता है। जो भी एक्टिविटीज़ जो आप अपने हाथ से करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी डालकर करते हैं, उसको थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी हाउस होता है। जैसे सेकेंड हाउस होता है वो स्पीच का हाउस होता है, उसी तरह थर्ड हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन का हाउस होता है। कि आप किस तरह से बोलते हैं, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप किस तरह से अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने रखते हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। आपके बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी हाउस है। मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीफोन, टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़, इनसे रिलेटेड जो वर्क रहता है, उसको भी थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा शॉर्ट जर्नी का भी हाउस है थर्ड हाउस, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होती है, एक सिटी से दूसरे सिटी आपने जो ट्रैवल किया, वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हाउस होता है आपके नेबर्स का भी हाउस, जो आपके पड़ोसी होते हैं, जो आपके आसपास के एरिया के जो लोग होते हैं, उसको भी थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। इवन थर्ड हाउस से ही ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उसमें मतलब थर्ड हाउस लॉर्ड, और उसमें जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके इन सारी चीज़ों में, आपके नेबर्स से, आपके यंगर सिबलिंग्स से आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। बट उसके लिए बाकी कंप्लीट चार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो कुंडली के थर्ड हाउस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फोर्थ हाउस का लेकर आऊंगी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।